बोलणारस का तू? बोल की आमच्या गावाला या बघायला, मराठीत बोलतात, काही प्रॉब्लेम नाही. हमारे गाव में मिलने के लिए आ जाइए. तू मराठीत बोल, आराम, मराठीत बोल, इथे उभा राहा, ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं संदीप भाई के साथ जा रहा हूँ. प्लान है मधेघाट. मधेघाट वाटरफॉल आपने सुना होगा, ये विल्हे में आता है. तो वाटरफॉल तो अभी होगा नहीं, बट वो जो घाट सेक्शन है, वो जो मधेघाट का व्यू पॉइंट है, वो बहुत सीनिक है. तो आप वहाँ जाने के लिए विल्हे से जा सकते हैं. विल्हे जाने का दो रूट है, दो तीन रूट है एक्चुअली. आप एक तो बेंगलोर हाईवे से जा सकते हैं. ये जो हाईवे पे मैं चला रहा हूँ अभी गाड़ी, ये बेंगलोर हाईवे ही है. तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकता हूँ मैं विल्हे का. एक सिग्नल आता है, वहाँ से आप राइट लेके विल्हे जा सकते हैं. ये थोड़ा लंबा रूट है और प्लेन भी है और बोरिंग भी. सेकेंड रूट है, आप खड़कवासला डैम जाते हैं. जब आप सीगर फोर्ट जाते हैं तो खड़कवासला डैम आता है बीच में. खड़कवासला डैम से फिर आप डोंजी फाटा से राइट लेके पापे घाट होते हुए जा सकते हैं विल्हे. पापे घाट इज अनदर घाट है, जो नाम ही है पापे घाट. तो इसमें पापे घाट व्यू पॉइंट आप सर्च करेंगे तो मैं इसका जो लिंक है लोकेशन में डाल दूंगा. तो आज मैं पापे घाट से भी नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ कड़वे खिंड. कड़वे खिंड करके एक दूसरा घाट है जो पानसेत, पहले पानसेत जाता है. तो पहले मैं पानसेत जाऊंगा, पानसेत से फिर कड़वे खिंड का रूट पकड़ूंगा. कड़वे खिंड का थोड़ा मीनिंग बताता हूँ मैं आपको. खिंड मतलब होता है पैसेज, इन द सेंस सुराख, छेद, काइंड ऑफ. तो ये दो हिल्स के बीच में छोटा सा रास्ता है जो बनाया गया है. ये हिस्टोरिक भी है क्योंकि शिवाजी महाराज सूरत को इन्वेजन करने के बाद इसी रूट से ट्रैवल किए थे. तो आज का ये ट्रिप सीनिक होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ. सो दोस्तों देखिए सामने सनराइज हो रहा है. कैमरे में पता नहीं कितना कैप्चर हो रहा होगा, बट आंखों से बहुत खूबसूरत लग रहा है. ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज सन. सो दोस्तों आज मैं जैसा मैं आपको बताया कड़वे खिंड होके विल्हे जाऊंगा, विल्हे से मधेघाट जाऊंगा. तो ये रूट पे दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑन द वे ही पड़ेगा. तो इन सब का मैप लोकेशन में डाल दूंगा. तो सबसे पहले जब पहले तो पानसेत आएगा. पानसेत को क्रॉस करके हम जाएंगे कड़वे खिंड. कड़वे खिंड पे एक हिस्टोरिकल विहीर होता है. विहीर इन द सेंस एक कुआं ही होता है, बट कुआं के पास जाने के लिए नीचे सीढ़ी बना होता है, जिसको विहीर बोलते हैं. तो उसका नाम है शिवकालीन विहीर. अब शिवकालीन क्यों है इसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया, मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन एक्सप्लोर. तो उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो विल्हे आएगा. विल्हे के बाद जब मधेघाट की ओर जाएंगे तो वहाँ पे तोरना फोर्ट है एक. तो तोरना फोर्ट का व्यू पॉइंट आता है, वो भी हम कवर करेंगे. वो ऑन द वे ही है, कुछ कवर करने जैसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं कि वहाँ के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ जाना पड़ेगा, इट्स ऑन द वे. सो आज का प्लान यही है, ये सारे व्यू पॉइंट्स कवर करेंगे एंड लास्ट में मधेघाट.
एंड रिटर्न में मधेघाट से हम वेल्हे आएंगे, वेल्हे से बेंगलोर हाईवे आएंगे एंड हाईवे से घर. सो दैट्स अ प्लान. टोटल डिस्टेंस वन वे इज गोइंग टू बी 103 किलोमीटर. रिटर्निंग में शायद थोड़ा लंबा पड़े क्योंकि वाया हाईवे इट्स लिटिल लॉन्गर. 103 का 108 के आसपास होना चाहिए. सो दोस्तों मेरे राइट हैंड साइड में ये खड़कवासला डैम स्टार्ट हुआ है यहाँ से. इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही फेमस पॉइंट है ये पुणे का. जब आप सिंहगढ़ फोर्ट जाते हैं तो ऑन द वे पड़ता है ये. पांच से जाने का भी यही रूट है, बट आगे एक चौक आता है जिसको डोंजे फाटा बोलते हैं, वहाँ से सीधे गए तो सिंहगढ़ फोर्ट आता है. राइट ले लिया, रोड बाय डिफॉल्ट राइट को ही जाता है. आपको एक्चुअली सिंहगढ़ फोर्ट जाने के लेफ्ट लेना पड़ता है, बट एनी वे सो राइट. डोंजे फाटा से राइट लिया तो आप पानछेद की तरफ जाते हैं. तो खड़कवासला डैम व्यू पॉइंट निकल गया पीछे. सो दोस्तों आप अगर पाबे घाट जाने का प्लान करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये वाला लेफ्ट मेरे लेफ्ट में ये पाबे घाट को जाता है. तो आप पाबे घाट होते हुए भी वेल्हे जा सकते हैं. तो हम लोग पाबे घाट से नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पानछेद. पानछेद से जैसा मैंने बोला मैं हम लोग कड़वे खिंड ये घाट लेंगे, ये रोड से जाएंगे. तो अभी हम लोग टुवर्ड्स पानछेद कंटिन्यू है रोड पे. पानछेद से होते हुए आप लवासा भी जा सकते हैं, लवासा लेक सिटी. लवासा जाने का भी दो रूट है, एक है टेमघर डैम होके, दूसरा है ये देखिए लवासा सिटी बोर्ड पे दिखा रहा 36 किलोमीटर तो, और दूसरा है पानछेद होके. तो पानछेद होके आपका जो लवासा जाने का जो रूट है वो थोड़ा लंबा है. इन द सेंस आपको लेंथ वाइज डिस्टेंस वाइज ये लंबा पड़ेगा, बट एडवेंचरस है. टेमघर डैम का जो रूट है वो बहुत ही प्लेन है, प्लेन नहीं बोलेंगे, वो भी घाट सेक्शन है, वो भी सीनिक है. बट अगर दोनों रूट को कंपेयर किया जाए तो पानछेद से होके लवासा का जो रूट है आई प्रेफर दैट वन ओवर टेमघर डैम. सो दोस्तों ये हम मुझे लेफ्ट लेना पड़ता है, लेंगे यहाँ से टुवर्ड्स वेल्हे. तो यही रोड जो है कड़वे खिंड की तरफ जाएगा. सो दोस्तों देखिए रोड जो है वो एडवेंचर बाइक के लिए या टू व्हीलर के लिए इस परफेक्ट है. इतना भी रोड ख़राब नहीं है बेसिकली, बट रोड अच्छे तो नहीं बोलेंगे, बैड पैचेस हैं, लूज ग्रेवल्स हैं. सो इट्स मैनेजेबल, ओके टाइप बोल सकते हैं आप रोड. बट ये जो सेक्शन है ये मानसून में बहुत शानदार होता रहेगा, ये तो फॉर श्योर. दोस्तों देखिए ये कड़वे खिंड पे एक पॉइंट है, अच्छा सीन लगा हम लोग को तो रुक गए. क्या शानदार व्यू है. सो दोस्तों देखिए ये रूट लोनली है बट बहुत सीनिक है. तो आप अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हैं. ऐसा कुछ सेफ्टी कंसर्न तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इक्के दुक्के लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे. बट बेसिकली ये एरिया लोनली है,
आज संदीप भाई नहीं होते तो मैं अकेला जाता, बट आता जरूर। सो एज कम्पेयर टू पापे घाट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मे बी शायद क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और पापे घाट पे मल्टीपल टाइम जा चुका हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट आई फील दिस रूट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर। Up while you drown, they want to fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. देखिए दोस्तों, हम लोग वहाँ से होते हुए वो रास्ता दिख रहा है, ऐसा होते 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 यहाँ तक आए। सो ये संदीप भाई, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसी को खिंड बोलते हैं। खिंड मतलब होता है पैसेज। सो ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी रखता है, क्योंकि शिवाजी महाराज इधर से ही सूरत को इन्वेजन करके इधर से ही गए थे। सो आप मेनली वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में ये सेक्शन को देखते रहेंगे, ये बहुत ही सीनिक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, अभी जो वो कार जा रही है सामने से, हम लोग उधर से अभी नीचे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlog007। सो दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट वो वेल्हे पहुँच चुके हैं मैप के हिसाब से। सो ये वेल्हे का ही कोई गांव लगता है। वेल है 2 किलोमीटर। यस, तो ये वेले में आ गए हैं। ये जो रोड है, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये हाईवे को मिलता है। हम लोग कड़वे खिंड होके आए यहाँ पे। इट वॉज वेरी सीनिक रूट, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए। लोनली रोड्स है, बट कोई सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। मैंने फोर व्हीलर्स को भी देखा इक्के दुक्के, जो फैमिली के साथ थे, तो कोई इशू ऐसा सच ऐसा नहीं है कि लूटपाट जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोड थोड़े रिस्कियर हैं काइंड ऑफ, कि आपको केयरफुल ड्राइव करना चाहिए उस रोड पर। बाकी ऐसा कुछ उस पर कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं यहाँ आने का। वेल्हे वाया कड़वे खिंड रोड। तो दोस्तों, वेल्हे में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ने फिर से स्टार्ट किया टुवर्ड्स मधेघाट। मधेघाट से पहले तोरणा फोर्ट का एक व्यू पॉइंट आता है, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, सीन्स कैप्चर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप डैम देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में, अभी आगे दिखेगा आपको, ये इसको ये वही डैम है जो हम लोग जब कड़वे खिंड से आ रहे थे जो डैम देख रहा था, इसको गुंजौनी डैम बोलते हैं। ये वेल्हे में आता है और अभी 10 मिनट में वो तोरणा फोर्ट का व्यू पॉइंट आएगा, तो वहाँ पर रुकेंगे। सो
सो बने रहिए मेरे साथ. इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlog007. मेरे लिए जो फीडबैक हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज रिसेंटली मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है. सो आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई डू मल्टीपल मिस्टेक्स, सो एवरी टाइम आई ट्राई टू इम्प्रूव. आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए. सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक और डोंट लाइक वॉट एवर. देखिए ये जो डैम है यही गुंजवने डैम है. सो देखिए दोस्तों ये गुंजवने डैम का व्यू पॉइंट है वेल्हे में, कितना शानदार दिख रहा है ये. मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नीचे ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी गार्डन बना दिया, आप नीचे भी जा सकते हैं, शाम में यहाँ पे बैठ सकते हैं. अच्छी व्यवस्था कर दी इन्होंने. इसका मैं लोकेशन मैप लोकेशन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो देखिए दोस्तों ये हमारे छोटे दोस्त मौल मिले हैं रास्ते में, इनको व्लॉगिंग पसंद है तो तो इनका गांव है ये बेसिकली, ये जो आप ये गुंजवने डैम देख रहे हैं. तो थैंक्स. या मराठीत बोल इथे उभा राहिये एवढंच बोल. ये हमारा गांव है और यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यहाँ पे आप तैरने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे फूड ऑर्गन्स बहुत है बट यहाँ पे रेंज नहीं है. थैंक यू. तो दोस्तों ये मध्य घाट का ये घाट स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से मध्य घाट ज़्यादा दूर नहीं होगा. इट्स तो तोरना फोर्ट का व्यू पॉइंट है, इट्स शोइंग 8 मिनट. तो वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि वहाँ से कैसा दिखता है. संदीप भाई थोड़े आगे निकल गए हैं तो देखता हूँ मैं कहाँ पे हैं वो. सो देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये तोरना फोर्ट है, तो व्यू पॉइंट अभी आना बाकी है बट हम लोग के यहाँ से दिख रहा था ये पॉइंट, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ. तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं दिस इज तोरना फोर्ट का व्यू पॉइंट है ये. वो आगे संदीप भाई वहाँ पे रुके थे. आप जब मानसून में आएंगे तो यहाँ पे लाइन लगी रहती है, लाइन इन द सेंस बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं मध्य घाट की तरफ. अभी सेंस पानी नहीं है कहीं भी तो लोनली है ये घाट सेक्शन. तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे थे इधर से, तो ये अच्छा व्यू पॉइंट दिखा मुझे तो हम लोग रुक गए. देखिए कितना शानदार दिख रहा है. आप इमेजिन कीजिए मानसून में कैसा दिखता होगा, सामने से पूरा पानी गिर रहा है, पूरा ग्रीनरी है, काइंड ऑफ यू कैन इमेजिन. तो दोस्तों जब मध्य घाट का वो घाट सेक्शन स्टार्ट होता है तो थोड़े दूर तक आपका जो बैड पैचेस है रोड पे, उसके बाद तो शानदार रोड स्टार्ट हो गया. ये जो आप रोड देख रहे हैं टर्मैक रोड है और शानदार है, मतलब बहुत ही स्मूथ. ये ऐसा लगता है रिसेंटली बनाया है, पहले ऐसा नहीं था, ये पहले बैड पैचेस वाला ही रोड था. मध्य घाट में जब मध्य घाट का जो पॉइंट है वहाँ पे एंट्री करने के लिए वहाँ के जो लोकल गांव वाले थे वो शायद 20 या 50 रुपए लेते थे पर पर्सन. फॉर टू व्हीलर के लिए शायद 20 रुपए था और फोर व्हीलर के लिए शायद 50 रुपए था. अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं देखने के लिए. लेट्स सी जैसा भी होगा आपको बता दूंगा.
सो दोस्तों देखिए सामने कितना अच्छा व्यू है, आपको मैं खड़े होकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, इतने धूप होने के बावजूद इतना शांत माहौल है यहाँ पे कि क्या बताऊं मैं आपको। धूप कड़ी है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही इन पेड़ पौधों की वजह से। देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, यहाँ पे जो दुकान जैसे बने हैं छोटे छोटे, यहीं पे जो लोकल गांव वाले हैं यहाँ के पे टोल लेते हैं बेसिकली। तो अभी आगे कुछ है नहीं इसलिए आगे टोल जैसा कुछ अभी लेने का मतलब भी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स लीगल और इलीगल, वो रिसीट वैसे भी नहीं कुछ देते। तो आप ये ध्यान रखिए आप जब मानसून में आएंगे, ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये पूरे पुणे में पूरे के आसपास जितने भी इलाके हैं जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे जो लोकल गांव वाले हैं वहाँ के वो टोल काइंड ऑफ लेते हैं, कहीं पे रिसीट देते हैं कहीं पे नहीं देते। तो देखिए दोस्तों ये मध्य घाट है, हम लोग एकदम हिल के ऑलमोस्ट साइड तक आ गए किनारे तक। देखिए दोस्तों क्या शानदार व्यू है, यह है मध्य घाट इन समर। आप अगर मानसून में आएंगे तो इतनी शांति आपको मिलेगी ही नहीं, इतनी भीड़ होगी। यहाँ पर रैपलिंग का भी होता है आप जब मानसून में आएंगे तो, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से पानी गिरता है और व्यू पॉइंट वहाँ से आपको वहाँ पे जाना पड़ता है वो उधर से, तो वहाँ से आपको एक्चुअली व्यू मिलता है मध्य घाट वाटरफॉल का। तो पानी जहाँ से पानी गिरता है आप उसके ऊपर खड़े हैं अभी। सो दिस इज मध्य घाट। देखिए दोस्तों ये जो सामने से दिख रहा है आपको, ये सेक्शन से पानी बहता है, अभी तो पूरा सूख गया है कुछ भी नहीं है। इधर से यहाँ पे आप फैमिली के साथ आएंगे तो यहाँ पे पानी में आप पैर डाल के बैठ भी सकते हैं। यही पानी जब नीचे ऐसे होते होते वहाँ से गिरता है तो वाटरफॉल बनता है नीचे और वो शानदार व्यू दिखता है, मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कैसा दिखता है। यहाँ पे बैठ के मैं एक रील बनाया था आपको मैं शेयर कर दूंगा। ये देखिए व्यू, सो दोस्तों ये था मध्य घाट का ट्रेल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_vlogs007। ये मध्य घाट है जैसा आपको मैं वीडियो में दिखाया। अभी हम लोग लौटते समय पावे घाट का रूट से जाएंगे, संदीप भाई ने बोला हाईवे से नहीं जाएंगे पावे घाट से जाएंगे, तो पावे घाट से होते हुए वापस खड़कवासला डैम आएगा एंड देन विल गो बैक टू रिस्पेक्टिव होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।